दिन को वही चेस्ट पेन होता है तो बंदा चेस्ट को वैसे ही हाथ चला पे कहता है बस गैस है। रात को वही चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक है। लिटरली दिस इज व्हाट द ब्रेन डज। जब इंसान सोता है ना तो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, जब मेलाटोनिन अपनी पीक पे आता है तो इंसान अपनी सबसे गहरी नींद में होता है। सो जब इंसान सो जाता है ना पूरी तरीके से, जब वो पूरे डीप स्लीप में एंटर होता है तो बॉडी को पता चल जाता है कि मेलाटोनिन के ग्राफ्स बढ़ गए। मेलाटोनिन, जैसे ही मेलाटोनिन का ग्राफ बढ़ता है, आप छोड़ दे मेलाटोनिन क्या है, सोने का केमिकल, बस नींद का, जैसे ही वो पीक पे जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड सेंस कर लेता है कि अब दिस मैन इज फुली, दिस बॉडी इज फुली रेडी फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। वो क्या प्रोसेस ट्रिगर करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जितना भी जिस्म में कोर्टिसोल होता है ना, उसको किडनीज के ऊपर जो ग्लैंड है ठीक है, उसमें से पूरा का पूरा स्पंज की तरह स्क्वीज करवा देता है उसको, कि सारा कोर्टिसोल बॉडी में रिलीज कर दो, क्योंकि अगर ये जागते हुए होगा तो ये अपने आप को खतरे में डाल लेगा, अपने आप को इमरजेंसी नाफिज करेगा, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, हैमरेज हो जाएगी इसको। सो गया अब इसको किसी भी लेवल का कोई डैमेज नहीं होगा, आप कोर्टिसोल निकालो सारा जिस्म से, वी नीड फ्रेश कोर्टिसोल एवरी डे। सो व्हाट हैपेंस टू दैट कोर्टिसोल, इट इज, देयर इज अ रीजन, देयर इज अ पर्पस फॉर दिस। पिट्यूटरी ग्लैंड किडनीज को ऑर्डर करता है, सारा कोर्टिसोल जिस्म के नसों में आ जाता है और नसों से खून में एंटर होता है, और खून में एंटर होता है, और खून कहां से गुजरता है, खून दिल से गुजरता है। सो कोर्टिसोल पूरा का पूरा दिल के अंदर आके भर जाता है और दिल की एक एक शरियान को, एक एक हिस्से को सर्विस करता है, लिटरली इट्स क्लीनिंग अप एवरीथिंग। दिल पूरा का पूरा कोर्टिसोल से भरा होता है रात के वक्त जब सो रहे होते हैं आप, ओके। अब चूंकि कोर्टिसोल रात को भरा होता है तो क्या होता है आपके साथ, सोचें, रात के वक्त कोई भी वाकया हो आपको 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा डराता है वो, ठीक है। दिन को वही वाले वाकया होते हमें फिक्र ही नहीं होती, रात को हल्का सा भी वो वाकया हो जाए, हल्का सा कोई आवाज आ जाए तो कोई जिन भूत लगता है आपको। यस सर, यानी इसका ताल्लुक अंधेरे से है। अरे आता हूँ अंधेरे से ही है, मगर अंधेरा इसका ट्रिगर है, कॉज नहीं है, याद रखिए, अंधेरा इसका ट्रिगर है, कॉज नहीं, कॉज आपको बता रहा हूँ, साइंस बता रहा हूँ। सो जैसे ही आपका दिल पूरी तरह भर जाता है कोर्टिसोल से, तो जिस्म में तो कोर्टिसोल पूरी तरीके से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आप सिर्फ नेगेटिव सोचते हैं, सिर्फ इन्फ्लेट करते हैं वर्ड्स के सिनेरियो को, ठीक है, वर्ड्स के सिनेरियो की पीक आ चुकी है क्योंकि कोर्टिसोल भरा हुआ दिल में। सो कोई भी वाक्य दिन को और रात के वक्त आपको सोच आ गई ना, अगर सोच भी आ गई तो आप उस वक्त तो आप उसकी वर्स्ट केस मैनिफेस्टेशन खुद करते हैं। सीने में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक है, ठीक है, गुर्दे में दर्द हो रहा है, कैंसर है, हर चीज, ठीक है, क्योंकि कोर्टिसोल फुल हुआ है इस पर। कोई वाक्य, कोई बाहर दरवाजा किसी ने नॉक किया, बेशक अम्मी आई हुई, नहीं, कोई डाकू आ गए मेरे पास, ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग, वर्स्ट केस सिनेरियो। इसलिए रात के वक्त हर इंसान को जिन भूत का ज्यादा असर होता है, हालांकि कोई जिन भूत नहीं होते उस वक्त, दिन के वक्त भी जिन, क्या जिन नहीं सोते, दिन के वक्त भी तो जिन आते होंगे, दिन के वक्त हमें जिनों का कोई मसला ही नहीं होता, रात के वक्त हर चीज जिन लग रही होती, चाहे बेड पे कॉकरोच आ गया हो, हमें लगता है वो चुड़ैल आ गई। वी गो थ्रू द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट केस। दिन को वही चेस्ट पेन होता है तो बंदा चेस्ट को वैसे ही हाथ चलाता है, कहता है बस गैस है। रात को वही चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक है, लिटरली दिस इज व्हाट द ब्रेन डज, दिस इज व्हाट द कोर्टिसोल इफेक्ट इज। वो क्यों है, क्योंकि दिल साफ होना है, दिल साफ होने के लिए दिल में कोर्टिसोल होना जरूरी है, ठीक है, एक एक नस से एक एक शरियान साफ होती। अब इसको जाते जाते टाइम लगता है, इतना कोर्टिसोल विड्रॉ तो होना है। सो जैसे ही आप इस दौरान सो रहे हो तो नॉर्मल विड्रॉल जो है ना, नॉर्मल विड्रॉल होते होते जितना टाइम लगता है उस दौरान तक, आपने सुबह का टाइम उठते हैं जब आप, तो आपका कोर्टिसोल भी जिस्म में होता है, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्टिसोल जीरो पे गया है, फिर दोबारा से फिल हो रहा है, अब वो टैंक फिल हो रहे हैं, कोर्टिसोल अपना इफेक्ट अभी जारी रखे हुए। इसलिए सुबह उठते ही आप क्रैंकी होते हैं, ग्रंपी होते हैं, नेगेटिव होते हैं, एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। Nobody wakes up और जैसे उसको उठाओ और वो कहे सुभान अल्लाह और आगे जफ्फी डाल ले, आपको क्या बात है, आपने एहसान किया। एवरीबडी वेक्स अप विद अ एक्सप्रेशन के क्यों उठाया मुझे। रात में फिर जो नाइट नाइट प्रेयर है जो सूरह मुज़म्मिल में है कि आप जागे 2/3 1/3 क़यामुल लैल, डज इट हैव टू डू समथिंग विद कोर्टिसोल देन, डज इट रेगुलेट। बताता हूँ, पूरा कुरान पूरा बता रहा है केमिस्ट्री को, बताता हूँ
नबी अस्सलाम ने, अब तहज्जुद फर्ज तो नहीं है ना, तहज्जुद फर्ज नहीं है, इसलिए मैं पहले फराइज की लिस्ट पूरी कर लूं आपके सामने कि फराइज पूरे करते वक्त बॉडी को कैसे अल्लाह ताला मेंटेन करवा रहे हैं। फर्ज किसी वजह से कराई नहीं चीजें हमें। अब तहज्जुद फर्ज नहीं है, फजर तो फर्ज है ना। तो फजर के वक्त का जो एग्जैक्ट टाइम स्पैन है वो याद रखिएगा। दो साइकिल है ना कोर्टिसोल की, आयरॉनिकली वो मेलाटोनिन ट्रिगर्स हैं। सुबह उठते वक्त आप वैसे ही कब उठते हैं, जब इस्लाम में फर्ज किया है कि सूरज निकलने से पहले उठना है। सूरज निकलता है पूरे एक घंटा 45 मिनट, एक घंटा 25 मिनट और एक घंटा 45 मिनट के स्पैन के अंदर। ये साइकिल है ना साइज सन की भी, 1 आवर 20 1 आवर 40 के बीच में स्पैन रहता है। ठीक है, गर्मियों में थोड़ा होता है, सर्दियों में ज्यादा हो जाता है। सो पो फटने से पहले, जो अभी रमजान में सहरी का आखिरी वक्त होगा, उससे लेके सूरज निकलने तक ये मेलाटोनिन की साइकिल का ऑफ साइकिल, ऑफ डाउन साइकिल है उसकी। और मगरिब के बाद जब सूरज ड्रॉप हो रहा था, एग्जैक्ट वही स्पैन है 120 to 140 मिनट्स का स्पैन, और यही एग्जैक्ट मेलाटोनिन के ट्रिगर्स हैं। सूरज निकलेगा, मेलाटोनिन ड्रॉप होगा, सूरज ग्रुप होगा, मेलाटोनिन ऑन हो जाएगा। सिंपल। अल्लाह ताला नहीं कहा रात को मैंने तुझे सोने के लिए रात बनाई, तू आराम कर। ठीक है, आराम करेगा तो तेरा दिल साफ होगा, दिल साफ होगा सुबह उठ, उस वक्त उठ जब मेलाटोनिन अपनी डाउन साइकिल पे। अब अगर उस टाइम अगर आप उठ गए जिस टाइम सुबह 9 बजे, जो पाकिस्तानी जवान आजकल उठ रहे 10 बजे सुबह उठ गए नाश्ता नहीं, उस वक्त तक तो उसने वो डेवेस्टेशन कर दी हुई अपनी, बिकॉज अब ही इज ओनली यू नो पंप्ड विद कोर्टिसोल राइट नाउ। उसका जो सपोर्टिंग केमिकल केमिकल था वो तो कब का खत्म हो चुका हुआ है, क्योंकि मेलाटोनिन सन के साथ लाइंड है। ओके, मेलाटोनिन आपकी नींद के साथ नहीं अलाइंड, मेलाटोनिन के साइकिल्स आपकी सन के साथ अलाइंड है। दुनिया में अल्लाह ताला ने मशीन भेजी थी, दुनिया के लिए सेटल करके भेजी थी, इतनी जबरदस्त नक्शे जिस्म बताता है ना कि किस प्लेनेट में क्या चल रहा है, इस प्लेनेट में हमारे साथ क्या चल रहा है, हमारा अपना जिस्म बता रहा है, इतना जबरदस्त बैरोमीटर है हमारे अंदर। आप गौर से सुने इस बात को, जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपका कोर्टिसोल हाईएस्ट पीक पे होता है। नबी अस्सलाम फजर की नमाज के वक्त, जैसे ही नमाज खत्म होती थी, प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज टू टर्न बैक एंड आस्क क्वेश्चंस, सेम क्वेश्चंस, के सदका किसने किया और बीमार की आदत किसने की। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो कि हर फजर की नमाज पे प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे। गौर से समझे, ये इस्लाम में तुक्के नहीं है। नबी इस्लाम को पता था कि क्या मशीन है। प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी की पूरी बैलेंसिंग स्ट्रेटजी बता रहे हैं, केमिस्ट्री के इक्वेशन हमें अब पता चली हैं,